छोटा बड़ा लिखा था उसके अंदर भाई ऑडियंस चिल्ला रही थी सीएम पंक और भाई शिकागो के अंदर था भाई। तो भाई सीएम पंक एंड ब्रेव हार्ट के चांस लग रहे थे। तो भाई क्या है ये अपडेट, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और भाई ऑडियंस भी एकदम पागल हो चुकी थी इसके बारे में बात करने की वीडियो के अंदर। और भाई अपने एडम कोल भी जल्द बनने वाला है फ्री एजेंट, और भाई उनका भी WWE कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है बहुत जल्द एक्सपायर। तो भाई क्या उसकी होने वाली इसकी डेट, और भाई SummerSlam 2021 के लिए भी एक गिमिक मैच हो सकता है। तो भाई कौन सा होने वाला है ये मैच, इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और भाई आप लोग चैनल पर नए तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम लोग देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ में जो कि जुड़ी है कल के रॉ के शिकागो के अरीना के बारे में। और भाई इसके अंदर जो रॉ हो रही थी उसके अंदर फैंस काफी ज्यादा चेयर्स लगा रहे थे अपने सीएम पंक के और भाई साथ ही में अपने ब्रेव वाइट के। तो भाई यहाँ से जब रॉ चल रहा था, जब रॉ जो है मतलब एकदम बोरिंग टाइप से चल रहा था, इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो भाई लोग जो है हमें ये थिंग दिखाए जा रही थी भाई जो है लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले तो भाई जब गोल्डबर्ग एंड बॉबी लैशली का सेगमेंट था तब वो चल रहा थे कि भाई वी वांट वाइट, यानी कि हमें ब्रे वाइट चाहिए। भाई वी वांट वाइट के बहुत सारे अरेना के अंदर चैट लग रहे थे क्योंकि भाई WWE ब्रे वाइट को रिलीज कर दिया था और भाई ऑडियंस को फैंस को ये बात जो है पसंद नहीं है। और भाई इसलिए जो है वो पूरे समय के अंदर चिल्ला रहे थे वी वांट वाइट। तो भाई ये जो है चीयर्स लग रहे थे ब्रे वाइट के नारे भाई बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अगर आपने भाई बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से रॉ को छुए कर देखा होगा तो भाई यहाँ पर से चल रहा था। और भाई बीच बीच में जब रॉ बोरिंग चलते जैसे मैंने कहा तब भाई सीएम पंक के भी काफ़ी ज़्यादा नारे लग रहे थे क्योंकि भाई जो शो था वो था शिकागो अरीना के अंदर और भाई शिकागो है होम टाउन अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। और भाई सीएम पंक के नारे बहुत ज़्यादा चैंट सुनने को मिल रहे थे वी वॉन्ट सीएम पंक के नारे बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो भाई ये जो है WWE का जो है बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेव हार्ट के रिलीज के बाद नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है, बट सीएम पंक के भी काफ़ी ज़्यादा नारे लग रहे थे। बट देख लेते क्या होता है। और भाई क्या जो सीएम पंक है उनके फिलहाल जो है आज हम बात भी करने वाले। तो भाई इन्हीं सारी बड़ी जो है कल हमें थिंग जो है रॉ के ऊपर दिखा दिया। तो भाई ये जो है कुछ अलग ही माहौल कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर बना था। और कमेंट में आप लोग मुझे जरूर थिंग बताना कि आपने ये जो सारी चीज़ें नोटिस की या फिर नहीं। बट वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं आज की हमारी वीडियो की नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। और प्लीज नेक्स्ट स्टोरी आज की हमारी जो जुड़ने वाली है वो होने वाली इस बार अपने ब्रेव हार्ट के बारे में। और भाई ब्रेव हार्ट और भाई अपने फीड और अपने ब्रॉन्स रोमन का भी एक बार होने वाला है रियूनाइट। और भाई यहाँ से आपको पता है WWE ने रिलीज कर दिया था ब्रेव हार्ट को और भाई उसके बाद जो अपने ब्रॉन्स रोमन स्टोरी डालते हैं और भाई स्टोरी के अंदर लिखते हैं कि जो एक अच्छी लाइन लिखते हैं, एक पोएम लिखते हैं और भाई इसके नीचे लिखते हैं हैशटैग फैमिली रियूनियन, यानी कि वो यहाँ पर से बताना चाह रहे हैं फैमिली रियूनियन। और भाई फैमिली तो आपको होता है अपने ब्रेव हार्ट की थी, मतलब वाइट फैमिली जहाँ पर लुक हार्पर एरिक रोवन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रेव हार्ट हुआ करते थे। बट अभी फिलहाल जो अपने ब्रू रिली दुनिया के अंदर नहीं है, बट लुक हार्पर है एरिक रोवन है और भाई अपने ब्रेव हार्ट है और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन। तो भाई इन तीनों की क्या पता मुझे जोड़ी किसी एक अलग कंपनी के अंदर जाते हुए दिखाई दे सकती है। क्या ये AEW के अंदर जाएंगे फिर क्या WWE के अंदर, वैसे ये छह रिटर्न करेंगे वैसे चांसेस तो मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं। बट AEW में भी वो जगह हो सकती है जहाँ पर ये तीनों अपनी फैमिली को रियूनाइट कर सकते हैं या फिर क्या होता है उनकी कुछ अलग ही डायरेक्शन हो उनके माइंड के अंदर। तो भाई ये जो है बहुत बड़ी थिंग हो सकती है, बट देख लेते कब इनके कुछ प्लान्स होते हैं। और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रेव हार्ट जो है क्या ब्रॉन स्ट्रोमन ने ऐसे क्या या फिर नॉर्मल किसी जोक के सारे से दिया है, बट देख लेते। बट जो है जो भी है इन सभी का जो WWE रिलीज है उससे जो है बहुत ज़्यादा शॉकिंग थिंग्स हो गई। बट अब देख लेते ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रेव हार्ट क्या कब रियूनाइट होते हैं और भाई किस WWE कंपनी के अंदर या फिर AEW कंपनी के अंदर, आपके जो ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने एडम कोल के बारे में। और भाई एडम कोल का भी जल्द WWE कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है एक्सपायर, यानी कि खत्म हो रहा है। यहाँ पर से जो एडम कोल है उनका आपको होता है फिलहाल उनका जो है WWE के साथ मतलब वो NXT के साथ पार्ट के अंदर। तो भाई यहाँ पर से फिलहाल एक अपडेट आती है और भाई अपडेट आप जो पूरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और भाई इस अपडेट के अंदर लिखा गया कि भाई जो एडम कोल है उनका बहुत पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना था WrestleMania के अराउंड, मतलब उनका जो कायल ओ'रायली के अगेंस्ट मैच था। बट WWE ने जो इनको जो है थोड़ा बहुत एक कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा एक्सटेंड करवाया क्योंकि भाई वो जो है मतलब WWE के साथ रीसाइन करें इसलिए, और उनको जो एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट WWE ने साइन करवाया था। और बट उसके बाद जो उन्होंने अभी तक उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है SummerSlam के अराउंड खत्म होने वाला है, मतलब SummerSlam का जो वीक हुआ उसके अंदर हमें जो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हुए दिखाई देने वाले। बट अभी तक फिलहाल उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी डिमांड नहीं किया और भाई WWE ने इनको ऑफर नहीं किया, मतलब भाई अपने जो
एडम कोल उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, तो भाई यहाँ पर से हमें जो चांसेस बन सकते हैं कि भाई एडम कोल क्या पता AEW के अंदर जाने की सोच रहा है, फिर क्या पता उनकी जो रेसलिंग के क्या प्लान है। बट अभी फिलहाल जो AEW के अंदर भी वो जा सकते हैं, बट एडम कोल का जल्दी WWE के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत जल्द ओवर होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं उस गिमिक मैच के बारे में जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कहा था, वो था एक पंजाबी प्रिजन मैच SummerSlam के अंदर बिटवीन जिंदर महल एंड ड्रू मैकइंटायर। तो भाई जिंदर महल के अर्ली इंटरव्यू होते हैं और भाई उसके अंदर वो पंजाबी प्रिजन मैच के बारे में बात कर लेते हैं। वो बात कर लेते कैसे ये जो है इंडिया के अंदर इंडिया की एक पर्सनैलिटी का मैच ही है जो है ग्रेट खली ने लाया था, और भाई ग्रेट खली ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मैच को जो है अच्छा बनाया था। मैंने भी इस मैच के अंदर कम्पीट किया और भाई मैं तो बस नहीं चाहूँगा कि भाई इसका जो और भी ज़्यादा यूज़ हो, बट मैं जिस प्रकार से इंसान अंदर जाता है उस मैच के अंदर वो जो है उस तरीके से बाहर नहीं आता। बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है, बहुत ज़्यादा मतलब सुपरस्टार को जो है मतलब कठिनाइयों से पार करना पड़ता है, और भाई आपसे वो चाहते हैं कि भाई मैं एक बार फिर इस मैच का जो है मतलब कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहता हूँ SummerSlam के पेपर व्यू के अंदर। और भाई ड्रू मैकइंटायर मैं तुझे SummerSlam 2021 के अंदर चैलेंज कर रहा हूँ एक पंजाबी प्रिजन मैच के अंदर, तो भाई ये काफ़ी मेगा चीज़ है, काफ़ी बड़ी चीज़ है, और भाई देख लेते इसके ऊपर क्या होता है। वैसे लग रहा था भाई कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर ये सारा जो मामला जो है WWE निपटा देगा, और भाई इन दोनों का जो राइवलरी चली आ रही है उसके अंदर हमें जो फाइनल WWE जो कल के रॉ के अंदर जो फाइनल मैच को ऑफिशियल करवा देगा, और भाई ड्रू मैकइंटायर एंड जो जिंदर महल की राइवलरी उसके अंदर एक काफी बड़ी आ सकते हैं, और भाई SummerSlam के अंदर एक बहुत मेगा स्टिपुलेशन वाला मैच आ सकते हैं। तो गाइस आपको कैसा लगेगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जिंदर महल पंजाबी प्रिजन मैच, आप मुझे कमेंट्स के अंदर आपकी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। बट आज के फाइनल अपडेट की बात करूं जो कि जुड़े अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk के अपडेट के साथ में, और भाई क्या CM Punk ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर जाएंगे, तो भाई क्या वो कल्चर ऑफ पर्सनालिटी का अपना जो थीम सॉन्ग है वो क्या यूज कर पाएंगे। तो देखो वो एक काफी बढ़िया CM Punk का थीम सॉन्ग है, और भाई CM Punk अगर उसको यूज कर दे तो क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो देखो ऐसी फिलहाल कोई नहीं कि भाई CM Punk को जो है दिक्कत आ सकती है कुछ जो है AEW कंपनी के अंदर जाकर वो अपना इस जो है सॉन्ग को जो यूज करते, तो भाई आपसे कोई भी CM Punk को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जाते हैं AEW के अंदर तो मेक श्योर AEW के अंदर यही हमको जो है CM Punk का थीम सॉन्ग दिखाई दे सकते हैं। तो भाई अगर बाकी है आज की हमारी वीडियो बस यही तकलीर, आपको हमारी आज की वीडियो बस नहीं था वीडियो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कौन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी से थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।